हमारे इंडिया में मल्टीपल्स बैंक हैं, मल्टीपल्स NBFCs हैं। ये मल्टीपल बैंक और NBFC पिछले काफ़ी टाइम से हैं। आपको पता होगा जब ऑनलाइन तरीका नहीं था तो ये बैंक और NBFC आपको ऑफलाइन तरीके से ही अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराते थे। अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता होती थी तो व्यक्ति इनके पास में ऑफलाइन तरीके से जाता था और ऑफलाइन बहुत से डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करता था, जब जाकर के ये व्यक्ति को लोन वगैरह इशू करते थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो ये व्यक्ति को इसी तरीके से ऑफलाइन नहीं बुलाते हैं, ये ऑनलाइन ही उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और ऑनलाइन ही उसको ये लोन वगैरह इशू कर देते हैं। अगर आज से पहले की बात की जाए तो जब व्यक्ति को ये ऑफलाइन तरीके से लोन देते थे तो व्यक्ति से जितनी EMI होती थी उतने ये लोग चेक लेते थे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की 10 EMI है तो इन्होंने 10 चेक ले लिए, किसी व्यक्ति की 15 EMI है तो इन्होंने 15 चेक ले लिए, और जैसे ही EMI का मंथ आता था वो उसी मंथ पर उस चेक को डाल देते थे। वो चेक पूरे तरीके से क्लियर हो जाता था और बैंक और NBFC को पेमेंट हो जाती थी। लेकिन अगर बात की जाए आज की डेट में तो आज की डेट में ये सब चीज़ें नहीं हैं। चेक वगैरह बहुत से बैंक और NBFC अब नहीं लेते हैं, मतलब ऑफलाइन चेक। लेकिन आज की रेट में ये जो चेक लेते हैं वो ऑनलाइन लेते हैं। व्यक्ति पूरे तरीके से ये सोचता है कि यार हमने तो कोई चेक नहीं दिया, कोई केस वगैरह नहीं होगा। अब ये चेक कैसे लेते हैं, ये ऑनलाइन लेते हैं। अब ये जब ऑनलाइन चेक लेते हैं उसको कहते हैं ECS। ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, राइट। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जितनी EMI मतलब बनवाता है उतनी EMI के लिए अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट की सर्विस ले लेता है। बैंक और NBFC पूरे तरीके से व्यक्ति से सिग्नेचर करा लेते हैं, परमिशन व्यक्ति देता है कि आप हर माह मेरे अकाउंट से इतने पैसे डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। यही होता है ना ECS में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन आज से अगर कुछ टाइम पहले की बात करें हम, अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता होती थी, उसने चेक वगैरह तो दे दिया, तो बैंक और NBFC इजीली चेक बाउंस का केस उस पर कर देते थे अगर उसके अकाउंट में इनसफिशेंट बैलेंस होता था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए बैंक और NBFC मेरे देखने में नहीं आया कि इतनी इजीली किसी व्यक्ति पर ECS बाउंस का केस करते हैं। आप 2023 की बात कर लें, 2022 की बात कर लें, तो 2023-22 से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इस मैटर पर। हालांकि बना तो पहले से रहा हूं, लेकिन थोड़ा डीपली वीडियो 2023 या फिर 22 से ही बना रहा हूं। तो अगर 2023 और 22 की बात की जाए तो मेरे किसी व्यूअर ने ये नहीं बताया कि मेरे ऊपर ECS बाउंस होने पर केस हुआ है, राइट। अब 2024 में भी क्या ECS बाउंस होने पर कोई केस नहीं होगा, ऐसी क्वेरी जो है मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज के थ्रू लिखी, बहुत ज़्यादा मुझे ईमेल भी किए, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट भी किए। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ECS बाउंस होने पर 2024 में कोई केस ना हो। वो बैंक और NBFC पर डिपेंड करता है कि वो केस करे या ना करे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बैंक और NBFC 2024 में पूरे तरीके से ECS बाउंस होने पर केस नहीं करेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बहुत सी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, अब भी क्लियर कर दूं, देखिए ECS बाउंस होना या फिर चेक बाउंस होना बात एक ही है, इसमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। बस बदलाव टेक्नोलॉजी में आया है और इससे ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। तो आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, आप हमसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पर, तो देखिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना जो करंट इशू है, मतलब वर्तमान में आप जिस इशू का सामना कर रहे हैं वो हम तक भेज सकते हैं। जैसे ही आप ये सब चीज़ें भेजेंगे, हम टेलीफोनिकली आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, और टेलीफोनिकली ही आप जो अपॉइंटमेंट की डेट एंड टाइम है उसी डेट एंड टाइम पर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। लेकिन ये सर्विस आपको तभी मिलेगी जब आप इसके लिए चार्ज पे करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक पेड सर्विस है। यहाँ पर कोई आपको 2,000, 3,000, 4,000 पे नहीं करना है, ना ही आपको 1,000 पे करना है, 500 पे करना है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी मदद आपकी हो जाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको। और एक बात और बताऊं, बैंक और NBFC इतनी आसानी से
केस वगैरह नहीं करते हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट सेल से मतलब है, उनको अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने से मतलब है, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। वो इस कानूनी पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, उनका ये मतलब पर्सनल मामला है, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर चैनल तो करेंगे ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।